हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एजुकेशन टिजिल आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं व्हाट इज लर्निंग लर्निंग क्या है यानी कि अधिगम क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टीचिंग पैटेगोजी के हर एग्ज़ाम में आता है सी टेट एस टेट रीड के और जितने भी एग्जाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें टीचिंग पैटागोजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज जैसे हम इंग्लिश के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लर्निंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश ग्रामर और टीचिंग पैडागोजी को सीखना चाहते हैं रटना नहीं है दोस्तों सीखना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे तो आइए चलते हैं वाट इज़ लर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीट एट रीट एस्ट एट ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट है देखिए लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है लीड्स टू चेंज ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के द्वारा बिहेवियर में परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग द चेंज इन द लर्नर मे हैपन एट द लेवल ऑफ नॉलेज ये कह रहा है कि जो लर्निंग का मतलब है कि सिर्फ नॉलेज से नहीं है एटीट्यूड और बिहेवियर और नॉलेज अगर इसी किसी भी चीज में वो उसके परिवर्तन होता है तो उसे हम लर्निंग कहते हैं और उसके लिए क्या होता है एक्सपीरियंस के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग लर्नर कम टू सी कंसेप्ट आइडियाज़ एंड ऑल द वर्ल्ड डिफरेंटली जब एक कोई भी चीज़ सीखता है लर्निंग टेक प्लेस होती है लर्निंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका बिहेवियर चेंज होता है वो कोई चीज़ को जानता है उसका एटीट्यूड चेंज होता है और साथ ही साथ उसकी नॉलेज में भी कुछ नया ऐड होता है ये आपको ध्यान रखना है लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है एक्सपीरियंस के माध्यम से लर्निंग इज़ नॉट समथिंग डन टू स्टूडेंट बट रैदर समथिंग स्टूडेंट देव डू ये कह रहा है कि लर्निंग ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बच्चों को की जाती हो जबकि बच्चे इसे खुद सीखते हैं लर्निंग का मतलब सीखना छात्र इसे खुद सीखते हैं इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हाउ स्टूडेंट इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस टीचर का काम क्या है कि वो लर्नर्स को एक्सपीरियंस देता है हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो हम उन्हें एक्सपीरियंस दे रहे हैं उसके बाद जो स्टूडेंट हैं उसको वो किस तरीके से लेते हैं क्या वो सोचते हैं और कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं लर्निंग कहते हैं और वो रिस्पोंड करते हैं वाइल देर आर डिसिप्लिनरी डिफरेंस इन वट स्टूडेंट लर्न इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट लर्निंग कंटेंट और इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन पार्ट ऑफ लर्निंग इन यूनिवर्सिटी कोर्स रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी स्टूडेंट नीड टू हैव सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रैक्टिस इंटोलैक्चुअल स्किल ये कह रहे हैं कि लर्निंग जो है इन द फील्ड ऑफ स्टडी स्टूडेंट नीड टू हैव सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं थिंकिंग पावर है प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी की सारी लर्निंग के द्वारा इम्प्रूव होती हैं जो कि फील्ड ऑफ स्टडी हैं इन एडिशन स्टूडेंट नीड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स साथ ही वो दूसरे लोगों से बात कर सकें सोशल स्किल सीख सकें ये भी लर्निंग के द्वारा इंप्रूव होती है दैट इज आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस एग्जाम्पल ऑफ दिस स्किल्स देखिए टीम वर्क इफेक्टिव कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग एज टीचिंग असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर्स वी नीड टू कीप इन माइंड दैट देर इज मच मोर टू लर्निंग दैन कंटेंट दैट वी शुड पे अटेंशन नॉट ओनली टू कंटेंट बट आल्सो टू थिंकिंग प्रोसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग ये कह रहा है कि एज ए हमें यह सोच है कि हमें जो पढ़ा रहे वो नहीं कि जो बच्चे सोचते हैं उनकी थॉट प्रोसेस क्या है उसको प्रभावित करना ये हमारा वर्क होता है सिर्फ हम उसको बच्चे को कुछ पढ़ा दें बोल दें उसे लर्निंग नहीं कहा जाएगा उसकी थॉट प्रोसेस को जानना उसके बाद उसके बिहेवियर को जानना उसके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ सीखने के बाद यह लर्निंग होता है तो दोस्तों लर्निंग के बारे में हमने सीखा है आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ देखिए लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चों को एक्सपीरियंस दिए जाते हैं क्या हम कुछ भी पढ़ाएँ कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं उस एक्सपीरियंस के बाद बच्चों के बिहेवियर में चेंज होता है उसे कहते हैं लर्निंग और इस चेंज को देखा जा सकता है महसूस किया जा सकता है समझा जा सकता है ठीक है और ये इससे क्या होता है जब कोई बात सिखाई जाती है तो उसके बाद जो फ्यूचर में उनका जो क्या होती है उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और लर्निंग नॉलेज एटीट्यूड और बिहेवियर ये नहीं है कि हमने कोई एक नॉलेज का पॉइंट सिखाया तो वो नॉलेज तक ही सीमित होगा अगर कोई चीज़ हम सिखा रहे हैं लर्निंग होगी तो एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है व्यवहार भी चेंज होता है और नॉलेज भी ऐड होती है तो इसे लर्निंग कहा जाता है दोस्तों हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो क्योंकि मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश किया है फिर भी दोस्तों ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही काम का वीडियो था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद